Subscribe and click the bell icon for television updates. मेरा किरदार जो है वो जो मैं रियल लाइफ में हूँ बिल्कुल वैसा ही है. शी इज़ बबली एंड वो सबकी मदद करना चाहती है हमेशा लाइफ में. अपने से पहले वो दूसरों का सोचती है और अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है. और जो लाइफ में उसके साथ सब कुछ होता है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, फिर भी शी इज़ सो पॉजिटिव. और ये सब जो हिम्मत उसको आती है वो अपने परिवार से आती है. एक्साइटमेंट इज़ लाइक वी आर ऑलमोस्ट डूइंग शूट. एक्साइटमेंट वही लेवल है, वही चल रहा है. तो मेरा जो किरदार है वो बहुत ही रूड किस्म का है. रूड नहीं कहूँगा कि उसकी पास्ट लाइफ में, मेरी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर कोई कुछ नहीं. बिल्कुल खरीद ली है, पैसा है. देखो पैसे से बंदे की औकात ऊपर होती है, तो मेरे पास पैसा है बहुत, औकात बहुत ऊपर है. तो मेरी बहन नहीं होता पैसा सब कुछ, पैसा नहीं होता, होता कुछ नहीं, फैमिली. इसलिए हम दोनों में दरार है क्योंकि मेरा सोचना अलग है. पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार होता है, फैमिली होती है. प्यार होता है लेकिन प्यार भी सच्चा होना चाहिए, ठीक है. लॉयलिटी होनी चाहिए रिश्तों में. जब रिश्तों में लॉयलिटी नहीं आती है और रिश्तों में गांठें आ जाती हैं तो मीठा भी कड़वा लगना शुरू हो जाता है, राइट. जितना मर्जी मुँह में मीठा डालो वो कड़वा ही लगेगा क्योंकि दिल जो है ना, दिल टूटा हुआ है. तो मेरे लिए मेरी लेकिन थोड़ी कोशिश करो तो गांठें खुल भी जाती हैं. गांठें खुल जाती हैं लेकिन वो गांठों से जो वो सिलवटें पड़ी होती है ना वो कभी नहीं मिटती. कहते हैं जख्म होता है, जख्म ठीक भी हो जाता है लेकिन वो जख्म का निशान सारी जिंदगी रहता है. और जब जब उस जख्म के ऊपर आपकी नजर जाती है, राइट. वो भी है, सब कुछ भाई है और भाई ने उसको पलकों उठा कर रखा हुआ है. उसकी हर ख्वाहिश मुंह में आने से पहले पूरी हो जाती है. तो वो बहुत ही पैम्पर्ड है. काजोल और नव्या में सिमिलैरिटीज नहीं है. काजोल एज अ पर्सन मैं बहुत सिंपल हूँ, नव्या बहुत ग्लैमरस है और डिमांडिंग है, जो मैं एक्चुअल में नहीं हूँ. बट कहते हैं ना, जैसे भाई अगर हर ख्वाहिश पूरी करे तो आपकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं. तो वैसे ही होगा हमारी कहानी में कि मैंने कहा चांद से है तो भाई चांद ला के देगा. और एक बहुत अच्छा रिश्ता जो हम दिखा रहे हैं टीवी में वो है भाई बहन का. मैं ऐसा मतलब रियल लाइफ में हम दोनों बहुत क्लोज हैं, मेरा भाई, तो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ इस चीज़ को कि मैंने कुछ कहा और वो पूरा हो गया. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आई एम श्योर ये देख के लोग रिलेट कर पाएंगे. युग का नाम ही एक बहुत जॉयफुल है और इसमें जो युग है अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, जो शगुन है, और बहुत मेहनती है भाई बहन. और क्या नाम है, शगुन जो है वो अपने भाई के लिए कुछ भी करती है, मतलब अपनी फिक्र नहीं करती. वो केवल उसको भाई दिखता है, अपनी फैमिली दिखती है और यही चीज़ है. तो मेरे किरदार का नाम है ब्रजेश त्यागी. वो एक घर जमाई है जिसकी बीवी अरबों करोड़ों की मालिक है, मालकिन. उसका एक भाई है, भतीजा है, जो जिसका नाम शुभ है, जिसके नाम में पूरी प्रॉपर्टी है. और ब्रजेश बस यही चाहता है कि उसकी बीवी को उसका हक मिले. बस वो उसके लिए लड़ रहा है लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा है.
तो बस यही मैं, मेरी चाह पूरे शो में यही रहेगी कि मैं कैसे मेरी जो बीवी है जो एकदम इनोसेंसी है कि मैं ऐसे जस्टिस दिलाऊं, यू नो, सो लोग सोचेंगे कि मैं ग्रे हूं एंड इट्स ओके बट एक्चुअली इज अ गुड गाय, इसे अपना हक दिला रहा है एंड दैट वे आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे। हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ शुभ पे है और नव्या पे है और मैं चाहती हूँ कि, मुझे पता है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं उनको पसंद नहीं करते लेकिन मैं उनको अपने बच्चों की तरह देखती हूँ और संभालती हूँ, बचपन से उनको संभाला है, तो मुझे ये सब नहीं पता, मुझे ऐसे लगता है बाद में जाके कि ये बुरा कर रहे हैं और मैं नहीं होने देना चाहती, तो ये हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आई विल नॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज़ यू नो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। तो बहुत मज़ेदार कहानी है, अभी तक तो हमें इतना ही पता है, आगे सस्पेंस नहीं बताऊँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है और उसके साथ साथ वो बहुत बबली है, तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है कुछ इतना इंटरेस्टिंग प्ले करना। यूजली हमने ऐसे नेगेटिव्स प्ले किए हैं जो जिसमें एटीट्यूड होता है या बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड और नेगेटिव आउटलुक होता है, बट ये क्यूट है, चुलबुली है, फनी है, अपनी मजाक खुद ही बनवा लेती है लोगों के आगे और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरा जो कैरेक्टर है वो मिल्का है, वो बहुत पॉजिटिव होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अपने भाई से बहुत इंस्पायर है, वो सेल्फ मेड बनना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि वो बड़े फैमिली में है बट उसके नाम से, उसकी फैमिली के नाम से उसको जाना है, वो चाहती है कि उसके नाम से उसको जाना है, और उसकी जो माँ है जो बहुत एक्ट्रेस रही है वो हमें मुझे एक्टर बनाना चाहती है बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता ग्लैमर बनाना, मतलब सिंपल सादगी वाली लड़की ऐसे बनने में रहती और बहुत मेहनत करती हूँ आगे जाने की ताकि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। 25 अप्रैल से हमारा शो शुभ शगुन सोमवार से शनिवार दंगल टीवी पे आने वाला है और बहुत ही एक्साइटमेंट है हम में, पूरा परिवार बहुत खुश है कि फाइनली हम ऑन एयर जा रहे हैं। यस, छोटी चाची भी यही कहेगी कि हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है कि दंगल टीवी पे हमारा इतना अच्छा शो आ रहा है शुभ शगुन, जो सोमवार से शनिवार, जैसे वंदना जी ने भी आपको बता दिया कि सोमवार से शनिवार आएगा। पीताम्बर शिंदे जो कि शगुन के सबसे छोटे काका हैं और शगुन परिवार की लाडली हैं और बेटी जैसी हैं हमारी, और शगुन के लिए पिता मतलब जो बेटी के लिए कर सकता है या करेगा वो आने वाले शो में एपिसोड में आप देख पाएंगे, और पूरी टीम बहुत ही अच्छी है और रिश्तों के रंग उतार चढ़ाव ये सब कुछ आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देंगे। ऑब्वियस बात है, मतलब जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं तो एक्साइटमेंट तो हमेशा हम लोगों को होती है, और चाची जी ने, मम्मी जी ने, चाचा जी ने सब कुछ बता भी दिया है शो के बारे में कि 25 अप्रैल से हमारा शो स्टार्ट हो रहा है दंगल पर, तो प्लीज़ हमारे शो को प्यार देना, जितना हो सके सपोर्ट करना, हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि आपको एंटरटेन करें, जो आपको चाहिए हम वो सारे आर्टिस्ट दे पाए, और मेरे लिए इस शो में, शो तो इम्पॉर्टेंट है बट मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शो की बॉन्डिंग। दादाजी को तो हमेशा एक शरीफ करेक्टर ही मिलता है, एक्चुअली इनको थोड़ा बबली कैरेक्टर मिला है, हम वो जैसे जैसे ऑनर होगा ना शुभ शगुन आपको पता चल जाएगा कि कितना बबली कैरेक्टर है दादाजी। दादाजी शरीफ रहेंगे तो ही बच्चे शरीफ बनेंगे ना। इन लोगों ने तो सब कुछ देखा, मक्खन मक्खन तो आपको दे दिया दादाजी, कि दादाजी शुभ शगुन को क्या शगुन देना चाहेंगे। आशीर्वाद ही देना चाहूँगा कि ये लोग खुश रहें और मतलब ज़िंदगी में आगे चल के और अच्छा नाम कमाएं, सब कुछ करें, यही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या देंगे। और ये हमारी रामपुर की है, वैसे छुरी की तरह बोलती है, रामपुरी छुरिया है, वैसे करेक्टर भी इसका करेक्टर भी वैसे ही है। मेरा करेक्टर अनय का करेक्टर है, घर में छोटा हूँ, मेरे भाई से मेरा बहुत अच्छा पड़ता है, उसका युग का करेक्टर है, और भाई से मेरा बड़ा अच्छा बॉन्डिंग होता है, उसे मैं पैसे मांगता रहता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ और मुझे जॉब नहीं मिलती, तो सारी चीज़ें मैं अपने घर वालों से ही करता हूँ, घर में लड़ता रहता हूँ, थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, और करेक्टर मेरा बड़ा अच्छा करेक्टर है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, फैमिली से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और सारे बड़े अच्छे कास्ट हैं,
मैम का तो मैं बहुत पहले से बचपन से ही फैन था और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और वैसे भी जो हमारी फैमिली का शो आ रहा है वो काफ़ी अच्छा, जो नॉर्मल फैमिली होती है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाया जाएगा कि जो नॉर्मल फैमिली होती है कैसे जीती है। We'll be right back.